हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। इंडिया का श्रीलंका दौरा 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। यंग टीम जो है भारतीय टीम की ट्रैवल करेगी, शिखर धवन टीम के कप्तान रहेंगे, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार जो हैं उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। कई नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे पूरी टीम में, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देंगे टीम इंडिया का जो दौरा शुरू होगा उससे पहले भारतीय टीम को क्वारंटीन करना होगा इंडिया में ही, जो कि 14 जून से शुरू होगा और 28 जून को ख़त्म होगा। यानी 2 हफ्ते का पूरा क्वारंटीन जो है भारतीय टीम मुंबई में करेगी। साथ ही साथ 28 जून को ही टीम इंडिया जो है ट्रैवल करेगी श्रीलंका के लिए, जहाँ पे 7 दिन को उनको क्वारंटीन कर रहे हैं। वहीं 1 जून के बाद उनको आप ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई के बाद, माफ़ कीजिएगा, उनको प्रैक्टिस अलाउ कर दी जाएगी, ग्रुप्स में जो है प्रैक्टिस कर सकेंगे। और फिर फाइनली 5 जुलाई को जो है उनका क्वारंटीन ख़त्म होगा और फिर पूरी टीम जो है साथ में प्रैक्टिस कर सकेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे 13 जुलाई को पहला वनडे खेला जाएगा, कोलंबो में खेला जाएगा, प्रेमदासा स्टेडियम में। कोविड-19 केसेस की वजह से जो है एक ही वेन्यू तय किया गया, जहाँ पे 3 T20s और 3 ODIs जो हैं वो खेले जाएंगे। तो ऐसे में ये बड़ा डेवलपमेंट है, जहाँ पे जो है शिखर धवन के साथ साथ पूरी टीम जो है वो मुंबई में एकत्रित होगी और उनको जो है क्वारंटीन करना रहेगा 14 दिन का। केसेस जो हैं थोड़े बहुत कम हो रहे हैं भारत में भी, जिस तरीके से हम कोविड-19 की बात करते हैं उसके प्रकोप की, तो कहीं ना कहीं दिन ब दिन धीरे धीरे अगर हम हर शहर की बात करें तो जो एक डिक्लाइन है वो देखने को मिल रहा है केसेस में। और बाकी अगर बात करी जाए टीम इंडिया की एज एन यूनिट, तो बहुत एक अच्छी खबर है तमाम यंगस्टर्स के लिए कि उनको फाइनली जो है एक रिवॉर्ड मिला है उनके IPL परफॉर्मेंस का, उनके डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस का। चेतन साकरिया की आप बात करिए, ऋतुराज गायकवाड़ की, हम जो है सिलसिला उनका देखते हैं पिछले कुछ समय का IPL में, तो वो बहुत बेहतरीन रहा है। देवदत्त पड्डीकल को कॉल आया, तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको जो है फाइनली एक रिवॉर्ड मिला है। साथ ही साथ अगर बात करें नेट बॉलर्स की, तो नेट बॉलर्स में भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। ईशान पोरेल जो कि इंडियन U19 के सितारे हैं वो आपको देखते हुए मिलेंगे। साथ ही साथ साई किशोर, काफ़ी नाम इनका चर्चा में बना हुआ था डोमेस्टिक सर्किट में, वो भी आपको जाते हुए देखेंगे। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि काफ़ी उनके लिए लर्निंग कर्व रहने वाला है। देखते हैं कि कितने चांसेस इन लोगों को, इन सभी क्रिकेटर्स को मिलते हैं, क्योंकि ये जो टीम बी एक तरीके से भारत की जारी है, ये भी किसी टीम ए से कम नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से डोमिनेट जो है भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में किया है, जाहिर सी बात है कि इस बार भी ये जो टीम है पूरी सक्षम है कि श्रीलंका की जो इस वक्त क्रिकेट की हालत है उसके हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड के साथ तनाव चल रहा है प्लेयर्स का, उसको लेके भी तमाम स्पेकुलेशंस लगती हैं, एलिगेशंस लगती हैं। तो ऐसे में ये अच्छा मौका है भारतीय टीम के पास कि वाइट वॉश करा जाए T20s में भी और साथ ही साथ वनडेज में भी, ताकि जो सिलेक्शन है T20 वर्ल्ड कप के लिए वो और ज़्यादा हेल्दी हो और ज़्यादा दिलचस्प बन जाए सभी क्रिकेटर्स के लिए। देखते हैं कि किस तरीके से पूरी सीरीज जाती है। राहुल द्रविड़ का पहला असाइनमेंट रहेगा टीम इंडिया, मेन टीम इंडिया के साथ। अगर मैं बात करूं, इससे पहले U19 और इंडियन ए टीम्स के लिए जो है वो कोचिंग के तौर पे रोल अदा कर चुके हैं, लेकिन अब जो है फाइनली नेशनल टीम यानी इंडियन टीम के साथ जो है वो ट्रैवल करेंगे। देखते हैं किस तरीके से उनके लिए पूरा का पूरा टूर जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो है जब भी यंग सितारे जाते हैं तो उन सभी को मौका देना वो चाहते हैं। तो देखते हैं इन 6 जो मैचेस हमको देखने को मिलेंगे, इसमें कितने खिलाड़ियों को मौका मिलता है, कितने खिलाड़ी अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, और फिर आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो जो सिलेक्शन का दरवाज़ा है उसके लिए कितनी तेज़ जो है वो खटखटाते हैं, और क्या वो भारतीय टीम में आगे आने वाले कुछ महीनों में सेलेक्ट हो पाते हैं सीनियर टीम में, यानी कि मेन टीम। जब आप विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो क्या इनमें से कोई खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए जगह बना पाएगा या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।